96 में एक वजह से मैंने ये उतार के एक गुजराब से बजाना शुरू कर दिया कि वो मुझे किसी ने कहा कि एक से बजाना मुश्किल होता है, तो एक तो जवानी में बचपन में अच्छा ये मुश्किल तो मैं नहीं कर सकता, अगर मैं बजा रहा हूँ तो मैं तो आसान तरीके से बजा रहा हूँ दो गुजराब, तो वो मैंने एक कम से कम मेरे ख्याल में 10-15 साल एक मिजराब से बजा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में परफॉर्म किया सारे। लेकिन देन आई रियलाइज कि यार मैं ओके वेरी गुड सब चीजें कर सकती है मिजराब से, लेकिन दूसरी मिजराब के बहुत सारे फायदे हैं, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। वो मैंने जब दोबारा इसको अब मैंने पिछले कोई 7-8 साल से दोबारा से दो मिजराबें शुरू की, तो पॉइंट मेरा मेरा ये है कि आपकी नीड के मुताबिक आप अपनी गाड़ी की एडजस्टमेंट करवा दें, तो मेन गाड़ी अच्छी चलनी चाहिए, सेफ हो, कंफर्ट हो। इसी तरह मैं समझता हूँ सितार में या कोई और इंस्ट्रूमेंट में जहाँ पर आप कंफर्ट समझते हैं, आप समझते हैं कि अच्छा म्यूजिक, आप अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा म्यूजिक तो कुछ और चीज़ है ना जो मैं कर सकता हूँ, तो ये मेरा समझ। एक और जहन में ये बात थी कि जो मार्केट इन्फ्लुएंसेस होते हैं, एक आर्टिस्ट है उसका अपने प्लेइंग स्टाइल और सांस की बनावट है, फिर एक मार्केट की रिक्वायरमेंट आती है, ऑडियंस का एक मूड बनना शुरू होता है। और अब ये जो चैलेंज है फनकार के ऊपर कि वो किस हद तक मार्केट के इन्फ्लुएंस को से अपना आप बदलेगा और कहाँ तक बचेगा उससे, तो ये ज़रूर आपको फेस करना पड़ा होगा शायद, मतलब हाउ हैव यू अचीव। बिल्कुल ये मेरा ख्याल में मुझे नहीं, सबको इसका आता है, कुछ लोग इसमें जैसे बड़े अच्छे, आपके बड़ा अच्छा सवाल है कि कुछ लोग इस पर अवेयर होते हैं कुछ नहीं होते, कुछ को पता नहीं चलता उनके साथ क्या हो गया वो भी, और तो वो देखें इसमें फिर एक अगर तो आप काम कर रहे हैं सिर्फ मार्केट में रहने के लिए, फिर तो आप मार्केट के मुताबिक चलें, वो करना भी पड़ेगा। लेकिन अगर आप और ख़ास तौर पे जो क्लासिकल म्यूजिक सितार प्लेइंग, क्लासिकल सितार प्लेइंग, नॉर्मली अगर मैं इसको एज ए संगत जैसा हमने कहा संगत करूँ तो मुझे ज़्यादा बिजनेस हो गया, मैं अगर लोगों के साथ एज ए वो भी म्यूजिशियन बहुत बहुत डिफरेंट चीज़ है, लेकिन क्लासिकल म्यूजिशियन के लिए ये है कि उसको या क्लासिकल आर्टिस्ट के लिए ये है कि उसको अगर तो अपने काम के साथ लगाव है, इश्क है, फिर तो वो उस तरह से ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हो पाएगा नेगेटिवली, पॉजिटिवली तो होगा होना चाहिए। तो ये आपकी आपकी आप फिर वही आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने सीरियस हैं अपने काम के साथ, आप और आपकी तालीम कैसी है अपने काम की, अगर तालीम बुनियाद ठीक है तो उस बिल्डिंग को इतनी आसानी से नहीं गिराया जा सकता, अगर उसकी बुनियाद ठीक नहीं है तो फिर वो मार्केट क्या वो एक हल्की सी हवा से भी गिरते हैं। तो इसका बेसिक जो मैं समझता हूँ जवाब ये है कि आपकी तालीम और तरबियत बड़ा ज़रूरी है, अगर वो अच्छी बुनियाद अच्छी रखती गई है तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे पे इसलिए इसका इन्फ्लुएंस, एक तो मैं उन उस लॉट में उनके जो जिन्होंने वो कुछ पुराना वक्त देखा हुआ है और हमें अच्छे उस्ताद मिल गए, अच्छे रहनुमा मिल गए, अच्छे प्रमोटर मिल गए जिन्होंने उस जो पुरानी रवायत थी, तो वो इन्फ्लुएंस उस तरह से यानी कि मैं जितना वर्ल्ड म्यूजिक में इन मैं हूँ, यानी कि अगर मैं क्लासिकल के हवाले से देखूँ कि इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक मैं कर रहा हूँ, जैज म्यूजिक मैं कर रहा हूँ, सिम्फनी साथ में वर्ल्ड बालकान म्यूजिक, रैबिक म्यूजिक, जिप्सी म्यूजिक और पता नहीं कहाँ कहाँ का म्यूजिक, उसके साथ मैं
मिलके हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे पता है कि जब मैं क्लासिकल के साथ कभी मैंने खिलवाड़ देखी, ये अच्छा, ये भी मैं बात क्लियर करना चाहूँगा कि लोग क्लासिकल को मॉडर्न म्यूजिक के साथ करके वो समझते हैं एक्सपेरिमेंट। मैं समझता हूँ आप क्लासिकल को, आप उसके दर्जे को कम कर रहे हैं। ये मेरा अक्सर मेरा ऐसा मेरा ये मैं बात करता हूँ कि आप वही स्थाई यंत्रा ड्रम के साथ बजा रहे हैं तो वो ड्रम की इज्जत बढ़ रही है, उस स्थाई यंत्र की इज्जत भी बढ़ रही है। स्थाई यंत्रा तो बेचारा फिक्स रह गया वहाँ, उसको तो वो स्पेस ही नहीं मिल रही है इम्प्रोवाइज करने बढ़ने की। तो मैं तो कभी क्लासिकल राग के साथ, हाँ जो अगर आप खूबसूरत रागों के फेमिक गाने देखे जो पुराने थे आज से 30-40 साल पुराने, वो राग बेस्ड गाने बनते तो उनमें प्योर राग नजर आते थे, लेकिन वो कंपोजिशन उसमें आप या क्या भैरवी में गाना बना, क्या गुजरी टूड़ी में गाना बना, क्या ललित में गाना बना, क्या छाया नटको ये गाने का असर इसमें असर। तो ये एक्सपेरिमेंट वो आप वो करना चाहिए, लेकिन बुनियाद अगर आपकी पक्की है तो फिर आप नहीं हिल सकते। ये मेरा शायद मेरे जवाब बड़े लंबे हो रहे हैं, तो प्लीज माइंड ना कीजिएगा। स्पिरिचुअलिटी में रहे थे तो बिल्कुल सही था, बिल्कुल ठीक ऐसे ही। हाँ सर जी, आपने एक इंटरेस्टिंग बात की कि संगीत आपने कहा कि बेहतर नहीं है, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि एक सोलो आर्टिस्ट संगत जुगलबंदी या जैसे कथक के साथ जो क्रॉस इंटरेक्शन है क्लासिकल म्यूजिक के अंदर ही बिल्कुल सही। अब इसमें मैं आपको बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। अभी देखिए संगत करना भी बहुत बड़ा काम है, ये कोई आसान काम नहीं है। ये अब यानी कि किसी की चीज़ को फॉलो करना, किसी की चीज़ को उसकी चीज़ को आपने उस तरीके से बजाना जो उसकी रिक्वायरमेंट है एज ए म्यूजिशियन, वो वही फिर वो आपका एक एटीट्यूड। वो जैसे एक सर्जन डॉक्टर ब्रेन डॉक्टर है, एक हार्ट सर्जन है, उनके एटीट्यूड वो मेरा जो एटीट्यूड है वो है सोलो। और अगर मैं एक्सपेरिमेंट म्यूजिक भी कर रहा हूँ तो उसमें भी मुझे अपनी स्पेस चाहिए। अगर मैं संगत करूँगा तो मैं हो सकता है उसका काम खराब कर दूँगा। संगत के लिए योर एटीट्यूड टोटली डिफरेंट होना चाहिए। जैसे तबले की संगत, अब ये संगत से ये बात कि अब लोगों के जेहन में ये होता जा रहा है कि जैसे संगत जो है वो जुगलबंदी है, यानी कि अगर मैं अब जैसे अब डांसर जो है उसको तो एक लहरा चाहिए ना, अब मैं उसके डांस में लहरा बजाने के बजाय मैं उसको इम्प्रोवाइज करना शुरू कर दूँ और अपनी कुछ बीच में जो हमें आदत है इम्प्रोवाइज करने की सोलो सोलो होने के लिए उपज मैं कुछ कर दूँ, उस बेचारे का या बेचारी का तो डांस किया वो तो घबरा जाएगी, ये कौन सी लाइन शुरू। तो संगत के लिए इसमें वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट आपको एटीट्यूड रखना पड़ेगा और उसकी एक अपनी 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 जगह है।
वो अगर आप कर सकते, अगर आपका मन है, तो लोग बहुत सारे करते हैं, ब्यूटीफुल खूबसूरत चीज़ है। और लेकिन मैं अपनी बात करूँ, मुझे उसमें लगता है कि क्योंकि मेरा मुझे आदत है फ्रंट पे खेलने की, मुझे आप गोल 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 कीपर बनाते हैं मैच हारते हैं, तो मुझे भी लेकिन आप मुझे फॉरवर्ड पे खिलाएंगे तो मैं 4-5 गोल कर दूंगा, या कम अज़ कम एक गोल तो कर दूंगा जिताने के लिए। तो वो एटीट्यूड, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी हर हर जगह के आपकी खास जगह वो बनी हुई है पोजीशन, जो राइट पोजीशन पे राइट आदमी खेलेगा वो कमाल करेगा। वो ठीक है, एक्सपेरिमेंट म्यूजिक में आप कुछ भी कर सकते हो, वो एक्सपेरिमेंट तो वो तो ठीक है, वो एक एक्सपेरिमेंट होता है, 4 बंदे बैठे वो एकदम 1 घंटे का प्रोग्राम है, उस पर 5 मिनट जो है बड़े ज़बरदस्त आए, 10 मिनट नीचे गिर गए, फिर 1 मिनट बहुत ही ऊपर चला गया, फिर लास्ट के 20 मिनट पता ही नहीं चला क्या होगा। तो वो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट में जायज़ है, तो ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो ये एटीट्यूड है, ये आपका, और ये आपने डिसाइड करना है कि आप और वो बिल्कुल आपका अगर संगत करने का मन है और यू आर एंजॉयिंग। उसमें बिल्कुल देखिए ये तो है ना, आप कोई आप उसका मजा ले रही है सितार और सरोद की जो बनती, आपको दो टू डिफरेंट वो मिल रही है, साउंड क्वालिटी टोन मिल रहे हैं, टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज मिल रही है और एक ही मिल रही है। लेकिन एक जुगलबंदी जो माइंड सेट होता जा रहा है कि जुगलबंदी वो जो क्वेश्चन एंड आंसर, और वो क्वेश्चन एंड आंसर से भी लड़ाई झगड़े में चली जाती है, वो ड्रामे में तो आप कर सकते हैं, इज अ वेरी फनी एक्ट बन सकता है और उसको, लेकिन उस हाँ उसको अगर म्यूजिकली उस पर रहकर आप करें, उसके लिए देखें 3 लोग बैठे हो ना उनकी बड़ा ज़रूरी है, और एक सितार वाला, एक सरोद वाला, एक तबले वाला, एक ढोलक वाला या एक पखावज वाला कोई, अगर उन चारों की केमिस्ट्री एक जैसी है तब तो कमाल हो जाएगा। लेकिन अगर 4 सितार वाले बैठे होंगे और केमिस्ट्री नहीं मिलती तो वो लगेगा कि 4 लड़की लड़ रही हैं आपस में, सॉरी आप लड़का कह लीजिए जो भी करें। तो ये केमिस्ट्री मिलना बहुत जुगलबंदी या ग्रुप का काम या कम्युनिटी में अगर आपने रहना है तो उसमें आपको केमिस्ट्री एक दूसरे के साथ या तो बड़ी अच्छी मिल गई या आपको अकोमोडेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा। चले एक ग्रुप भी सुन ले, एक मैं आपको सुना दूँ, चलो कॉम्प्रोमाइज। लेकिन जहाँ केमिस्ट्री, अब मेरा अब एक प्रोजेक्ट है आपके हमें अब आया मेरे को लीक है, जर्मन है विक्टर मारे, इज इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक टोटली, हम मजाक करते हैं कि वो एक वो उस कबीले से है जो हमें पसंद नहीं करते और हम उस कबीले से हैं कि हम कहते हैं तो है ही हराम, ये तो नजायज़ है। लेकिन हम दोनों की इतनी अच्छी केमिस्ट्री है, यानी एक टोटली क्लासिकल और एक दूसरे उनकी तारीफें भी ऐसी होती हैं कि बंदा कहते हैं तुम्हें गाली दे रहे, लेकिन वो तारीफ हो रही होती है, लेकिन हमारी केमिस्ट्री इतनी अच्छी है कि वो जब हम बजाते हैं तो लोग समझते हैं कि पता नहीं हमने कितना इकट्ठे रियाज किया होगा या कितना हम लोग, तो केमिस्ट्री मिलना बहुत ज़रूरी है, और मेरा ख्याल में किसी भी रिलेशन में ऐसा ही है। तो ये मेरा ख्याल है, लेकिन मेरा ख्याल में हमें अब वो डब्बा हो गया ना, तो अब थोड़ा सा एक म्यूज़िक की तरफ आ जाए। मैं शरीफ खान साहब की एक दो चीज़ एक चीज़ सुना के रात देश में सब मेरा मन कर रहा है, तो उनकी दो तीन चीज़ें बजा के तो हम खत्म करते हैं क्योंकि